मैंने कर दिया, ये देखो ये इसके नीचे सारे निशान टेबल के। अब ये अब्दुल्ला है नहीं है कि शीशे के नीचे सारे निशान टेबल के ऊपर शीशे के नीचे। अब अब्दुल्ला है नहीं कि वो आए इसको उठाए तो हम लोग करें। ये देखो ये बीच में ये देखो ये पता नहीं ये देखो एक ये लाइन जा रही है, एक ये लाइन जा रही है, एक ये जा रही है, ये जो लाइन बनी हुई पता नहीं क्यों ऐसे करो ऐसे ये नज़र आ रहे हैं शीशे में। ये देखो ये देखिए आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा। तो खैर ऊपर से तो ये मैंने साफ़ कर दी है। तो अब जो उनके बीच में जो आ रहे हैं ये निशान है ये लाइट्स हैं ऊपर ये छत की लाइट्स हैं ये बीच में नज़र आ रही हैं। आप लोग कह रहे होंगे क्या है ये, तो ये उसका ना वो रिफ्लेक्शन आ रहा है ऊपर से। तो बस ये मैंने कर दिया। अब इसके ऊपर से मैं लगाती हूँ चीज़ें वरना ये चीज़ अब मुझे बहुत इरिटेट कर रही है। इसका जो शीशा है वो बहुत हैवी है बहुत ज़्यादा, जो एक तो साइज़ बहुत बड़ा है और दूसरा ये जो होता है ना मोटा गिलास ये वो है, तो ये उसके अकॉर्डिंग रखना पड़ता है कि ज़ाहिर है डाइनिंग के ऊपर खाना वगैरह खाया जाता है। तो अब बेटा है नहीं तो वो तो कभी मेरी हेल्प करवाएगा नहीं, मिनतें करूँ किसी ने देखे अब कब काबू में आता है। जिस दिन आ गया तो फिर मैं इंशाल्लाह ये पूरा उठा के तो मैं करूँगी फिर आप लोगों को भी बताऊँगी। और ये देखें ये भी सेंटर वाली चीज़ भी ये भी गलती है ऊपर रख देते हैं बस नहीं हो सकता अब जो भी है बस ये कर देते हैं सेट। क्या करूँ इतने मसले हैं ना, और कोई चीज़ मुझे गंदी नज़र आ जाए ना बस दिमाग में एक दफ़ा कोई कीड़ा घुस जाए फिर उसको निकालना मुश्किल है। फिर ये होता है कि अब इसको सही करके सांस लेना है, पर अब ये क्या अब तो ये मेरी अकेले का काम है नहीं, ये बेटी है वो करेगी नहीं कभी भी। चलिए क्योंकि ये एक कुरान पाक ये वाला ये बेटे का इसके कारी साहब आते हैं वो पढ़ाते हैं, ये मेरा मैं डेली इसको पढ़ती हूँ। तो ये ना ये बहुत अच्छा है, इसमें हर तरह की आपको दुआ मिलेगी इस कुरान पाक में, हर तरह की दुआ जो भी आप करना चाहें। तो ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था तो इस जैसा गिफ्ट तो कोई है ही नहीं, तो ये मुझे बहुत प्यारा लगता है कुरान पाक। मुझे जब भी कुछ पढ़ना होता है ना कुरान पाक के अलावा कोई भी दुआ पढ़नी हो कोई सूरत पढ़नी हो कुछ भी तो मैं इसी में से तमाम सूरतें तमाम दुआएं इसी में ही हैं। डाइनिंग हो गया साफ मेरा, तो मैंने कहा चले चेयर भी साफ कर दूँ, ये ना बहुत मुश्किल लगता है काम। तो डेली तो डस्टिंग होती है हमारी उसमें डाइनिंग की, पर डिपली इस तरह ना पूरी चेयर्स को निकाल के बाहर साफ करना महीने में एक से दो दफ़ा मैं कर लेती हूँ क्योंकि बहुत डस्ट आ जाती है। मुझे नहीं समझ लगती इसमें तो कोई आता भी नहीं, इसका तो जो मेन डोर है वो भी बंद होता है और विंडो भी बंद होती है, पता नहीं कहाँ से इतनी डस्ट आ जाती है। बस देखें जी ये कुछ डाइनिंग की लुक है, ठीक है ये मैंने साफ़ कर दी। गर्मी बहुत है पसीने पसीने में होगी ऊपर फैन चल रहा है उसके बावजूद, तो भाई ये मैंने साफ़ कर दी सेट कर दी। वो कटन आ गया, हेल्पर हाउस हेल्पर आई हुई है वो काम करेगी झाड़ू वगैरह कर दी। अच्छा पोचा भी लगाएंगी तो फिर कटन वगैरह आके हो जाएगा। तो भाई ये रिंग लाइट पड़ी हुई है उठानी होगी सेट करनी इधर से चीज़ें। तो साथ में जी देखी मेरी बेटी का फ़ोन भी आ गया, चलो ठीक है उस बात में चलें जी। बाकी काम हो गया डाइनिंग का तो मैंने कर दिया आप लोगों को बताया था, तो सफाई वाली आई है वो भी काम करके चली गई। अब मैं अपने बेडरूम का कर लेती हूँ, नमाज भी लेट हो रही है मेरी नमाज भी पढ़नी है। और बीच में ना बेटी का फ़ोन आ गया था जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, तो उस पर मेरा काफ़ी टाइम चला गया ना तकरीबन आधा पौना घंटा पौना एक घंटा मेरा उस पर चला गया। तो चलें बेडशीट वगैरह चेंज करते हैं, अब लगी हुई हूँ काम पे तो सारा कर देती हूँ। तो ये जो है इनको भी साफ करती हूँ, ये देखें ये चेयर्स मुझे गंदी लग रही है, गंदी हुई भी हैं ये नहीं नहीं वैसे ही हुआ है। तो बस करते हैं जी काम अपने सारे घर के, चलें ये करके फिर मैं आपको बताती हूँ।